घर पे इनकी स्थापना होती है और इस लायक नहीं हम लोग कि इनकी सेवा कर सके, पर जो जितनी श्रद्धा भक्ति है उसी हिसाब से इनकी सेवा करते हैं और 5 दिन का होता है। बापा की कितनी कृपा रही सर, इस पे कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल, गणपति सबको देता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या शक है। हाँ जी छोटा, वैसे तो इनकी ऐसी कृपा है कि हम सारा परिवार ही संगीत से जुड़ा हुआ है और पन्ना गिल को तो आपने देखा ही होगा इंडियन आइडल 2nd में, और पूनम ने भी गाया गणपति जी के भजन बिटिया ने, अभी छोटा राजगिल LSL मेलोडीज लेके आ रहा है, उसमें एक इसका जितने भी हमारे पंजाबी गीत होंगे वो इसमें जाएंगे, उससे भी आपका भरपूर समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। राजगिल हाँ, ये तो सामने खड़ा है। बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, मेरी मैया का जवाब नहीं। बोले जय माता दी, जय माता दी। घर का माहौल संगीत में था, म्यूजिक में थे, क्या इसी फील्ड में जाना था आपको या फिर घर के माहौल की वजह से आपको? जी एक्चुअली बचपन में मैं तो संगीत से दूर भागता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा तो मैंने देखा हुआ है इसको देखा हुआ है कि मैं जिस रूम में मैं इसके रूम में कभी कभी प्रैक्टिस करता तो आते पहले हारमोनियम हटाता था इसको, मेरा रूम से ले जाइए बाहर, और ऐसी महारानी की कृपा हुई सरस्वती माता की कि अच्छा स्वर, इसको स्वर की नॉलेज हो गई, बस इतना ही संगीत के लिए इतना ही काफ़ी है कि सुर और ताल की नॉलेज होनी चाहिए। पापा का नाम गिने चुने लोगों में लिया जाता है, क्या इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कितना मुश्किल आपके लिए कोई भजन कीर्तन बनाना कि यार ये लखा का बेटा है? जी मतलब कितना चैलेंजिंग होता है ये? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, मतलब इनके जो स्केल पे जो पिच पे ये गाते हैं उनको छूना मतलब हमारे बस की बात नहीं है तो हमसे जितना होता है हम बस उतना ही गाते जितना हो पाता है। सर आपने क्या इनको सिखाया है क्या? मैंने तीनों को यही सिखाया कि गाने से पहले शब्दों का चयन करो, वैसे शब्द होने चाहिए कि जो एक वृद्ध से लेके एक बच्चे तक जो जिसकी समझ में आ जाए, और मेरी भी यही शुरू से आदत रही, कभी मैंने ऐसे भजन मेरे पास बहुत आते हैं तो जिसका कोई सिर ना होता ना कोई पैर होता है, लेकिन उनका हौसला अफजाई के लिए कभी कभी मुझे उसमें करेक्शन करना पड़ता है कि चलो भाई भजन है तो इसको करेक्शन कर देते हैं, पर मेन जो है वो हमारे मेरे विशेष भजनों में मैंने केवल शब्दों का चयन किया और जो भाव भक्ति इन्होंने बख्शी उसी से मैं गाता हूँ, मेन शब्द होते हैं। सर कौन सा ऐसा भजन था, गाना था जिसको लखा बनाया, रातों रात पब्लिक ने रातों रात हीरो बनाया, सिंगर बनाया, प्यार दिया पब्लिक ने, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड ने प्यार दिया? देखिए मेरी शुरुआत जो है वो महादेव जी के दरबार से हुई, बाबा बैद्यनाथ से, बिहार में था पहले, अब झारखंड, तो वहाँ करीब 9 साल मैंने कांवड़ भी चढ़ाई पैदल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा कांवड़िया संघ जमशेदपुर था उसके मैं मेंबर था, और हमारे इर्द गिर्द जितना भी था वो एक तरफ घर के गुरुद्वारा साहब थे, एक तरफ राधे कृष्ण जी का मंदिर था, कभी गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन, कभी राधे कृष्ण जी के मंदिर में भजन कीर्तन, ऐसे ऐसे हौसला बढ़ता गया, तो सबसे पहले भोलेनाथ जी के दरबार से मेरी शुरुआत हुई, और फिर टी सीरीज़ का बुलावा आया मेरे पास, गुलशन जी का बुलावा आया उनके छोटे भाई दर्शन कुमार जी, और उन्होंने मैया का चोला है रंगला ये भजन सबसे पहले उन्होंने यहाँ बॉम्बे में मुझसे गवाया, जिससे बहुत प्रसिद्धि मिली, बड़ा आशीर्वाद मिला लोगों का, और सारी दुनिया में वो मैया का चोला है रंगला आज भी बजता है, उससे मेरी शुरुआत हुई। सर धीरे धीरे जो है वेस्ट की तरफ लोग भाग रहे हैं, जो पुराने गाने हैं भजन है वो आज भी उनके अंदर एक हमारी हिंदुस्तान की रू रू में बचती है चीज़ें, तो क्या कहेंगे आज के जो बदलते हैं उसके लिए? मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं नए कलाकारों को भी यही समय के अनुसार, हाँ नए कलाकारों को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक है समय के अनुसार उसमें म्यूज़िक में चेंज हो सकता है, क्योंकि म्यूज़िक गीत को जो है वो संगीत खिला देता है, गीत संगीत का मेल है, साज और आवाज़, और केवल आवाज़ भी आप यूज़ करें वो भी ठीक है, लेकिन साज के साथ उसका डबल प्रभाव पड़ता है सुनने वालों पर भी और गाने वाले पर भी। मैं नए कलाकार जो भी हैं या आज के युग में जो भी
कोशिश कर रहे हैं, मेरी उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप शब्दों का चयन करें और वो ऐसे भजन गाएं या वैसा मैटर चुनें जो पब्लिक को मैसेज दे भगवान की भक्ति का और परस्पर प्रेम का, आपस में प्रेम का। ये भी जानना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने हर समाज के वर्ग को मदद किया है, कलाकारों के लिए क्या मतलब ऐसा किया है जो कि प्रेरणादायक मानते हैं आप? सिंगर को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है गाना गाने के लिए, कलाकारों का तो बस ऐसे ही है, कलाकारों का तो यही है। बीच में एक लड़ाई भी थी, लगता है एक लड़ाई भी थी बीच में सिंगर्स की, राइटर्स की, सिंगर्स की, कि उनको कुछ नहीं मिलता है, गाना गाया फिर अपने। नहीं भैया, मैं इस मामले में कभी पढ़ा ही नहीं आज तक, मैं केवल और केवल भजन गाने और सुनने में शौकीन हूँ। मैं कभी बिहार में काफी अपने स्ट्रगल किया, काफी लोगों से मिला जुला, वहाँ के जो भाई हम के नेता थे लालू प्रसाद यादव जी, हम कभी आपके उनसे मुलाकात हुई? हम बिहारी हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनसे लालू जी के बारे? जी लालू जी के बारे, गाने के बहुत फैन है वो। हाँ सारे फैन है, वो हैं नीतीश जी हैं, वो नीतीश जी तो प्रोग्राम सुन के गए हमारा पटना में, और अभी मेरे ख्याल से वो कुछ तबीयत उनकी ख़राब चल रही है लालू जी की, बस मैं अपने मार्गदर्शक वो भी या जितने भी हमारे देश के मार्गदर्शक हैं उनको मैं यही प्रार्थना करूंगा और इनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ये हमें भी सद्बुद्धि दें और उन्हें भी सद्बुद्धि दें ताकि सबका ही विकास हो सके। गणपति के बाद अगले महीने दुर्गा पूजा भी आ रहा है, बहुत गाना हिट है दुर्गा पूजा को लेकर, कई सारे गाने हिट है, और मैया का चोला लाल लाल जरा एक बार हो जाए। मैया का चोला है रंगला, 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 भवन मैया का लाल चोला है रंगला 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 रंग, मेरी माँ का चोला है रंगला। गणपति के शुभ अवसर पर पूरे हिंदुस्तान वासी, पूरे देशवासी कुछ कहना चाहेंगे? गणपति की शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई, मैंने पढ़ा ऐसा कि जब हमारा देश गुलाम था तो आज़ादी के दीवानों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ महाराष्ट्र से गणपति जी की पूजा का आरंभ हुआ और उसमें देश के प्रति मीटिंग भी होती थी जिससे अंग्रेज लोग परिचित नहीं थे, और गणपति जी के भक्तों को या सारे देशवासियों को मैं फिर दोबारा यही रिपीट करूंगा कि हम आप जिस भी धर्म के हैं तो एक अपने धर्म के प्रति अडिग रहें लेकिन दूसरे धर्मों का भी सत्कार करें और आपस में प्रेम बढ़ाएं, क्योंकि हमारा देश सदियों से आज विश्व गुरु नहीं है, सदियों से विश्व गुरु है। जितना मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जितना ज्ञान भारत ने दुनिया को दिया उतना किसी और ने नहीं दिया, सन 1700 पहले कोई वैज्ञानिक नहीं था, कोई साइंटिस्ट नहीं था, अंग्रेज हमारे देश में आए और यहाँ का ज्ञान सारा लूट के उन्होंने विज्ञान का आविष्कार किया, पूरा ज्ञान भारत ने सारी दुनिया को दिया है, इसलिए हम सारे ज्ञानी बने आपस के मतभेदों को छोड़कर। बोल रिकॉर्ड कर देते हैं, अब मुझे सुन के पता चलेगा भाई क्या इसने गाया है, पर अच्छा है, टाइटल अच्छा है। अब मैं यही गणपति बप्पा के चरणों में अरदास करूंगा कि इनको सारी सुनने वालों का अच्छा आशीर्वाद मिले और इसे गाइड भी करें कि कैस किस प्रकार के गाने और चाहिए इनको, कैसे गाने चाहिए। मैडम पाके सामने एक लाइन गुनगुनाएंगे आप? इसी गाने इसी का पापा भी, हम भी सुन ले। हाँ बत्ती ना बजावी मैं तो दूर ना तू जावी, बत्ती ना बजावी मैं तो दूर ना तू जावी। फिलहाल मैं इतना ही सुनाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब रिलीज हो तब आप लोग पूरा गाना सुनिए और बताइए मुझे कैसा लगा। मैडम आप कुछ कहेंगे? बस मेरे ब्रदर को ऑल द बेस्ट कहूंगी, मेरा भाई खूब तरक्की करे और इसका खूब नाम हो जाए। आपसे एक एक लाइन तो सुना है आपने? हाँ, आया लाल बाग का राजा। हो गली गली में धूम मची है, गली गली में धूम मची है, बजे गजब का बाजा, आया लाल बाग।
आप कितना डांटती थी जब ये गाना नहीं सीखा, मतलब पूरी फैमिली सिंगिंग में है आपको छोड़ के? ये भी गाती है? मैं नहीं गाती आप भी कभी कभी मूड में आकर गाती हैं? गाते हैं, बस मेरा यही आशीर्वाद है बच्चों को खूब तरक्की मिले, बस मेरा यही आशीर्वाद है। भी गाती हैं? अच्छा, आप भी कुछ गाती हैं? मुझे नहीं आता जी, आता है उनको। इसका म्यूजिक किसने दे रहा बताएं डिटेल के साथ? हमारे मेरे बहुत अच्छे प्रिय मित्र है हनी हार्डी। हनी हार्डी 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 हनी हार्डी पंजाबी वाला। क्या कहेंगे आज आपके, किस तरह का म्यूजिक है ये, इस पर क्या कहना चाहेंगे, इसको इसको म्यूजिक किस तरह का म्यूजिक है इस पे और क्या लाइन है? बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है बेसिकली, तो इसमें बहुत अच्छी वाइब है बहुत अच्छी, तो आप सुने उसके बाद आपको समझ आएगा क्या है। मैं तो संगीत के जरिए समझाना था, समझा दिया आपको, सुन के बताना है क्या है, मुंह से मैं समझा नहीं पाऊंगा। इस यूनिट जुड़े हुए सबके नाम बताएं कौन कौन है उसमें जुड़े हुए? इसमें ये हमारे हनी हार्डी है, फिर हमारी जो मॉडल है शिमला की बहुत अच्छी मॉडल है आकृति सरगोली, फिर इसमें एक छोटा सा फीमेल वर्जन भी है, वो एक सिंगर है नवनीता शर्मा, वो अच्छा गाती है, तो जब रिलीज़ होगा तो आपको पार्ट भी पता चलेगा कि इसमें फीमेल सिंगर ने भी गाया, बट वो छोटा सा पार्ट है। बाकी मिक्स एंड मास्टरिंग गिरी साकिया जी ने किया है, एंड सिनेमेटोग्राफर शिमला का बहुत अच्छा एक बहुत फेमस सिनेमेटोग्राफर है विक्रम शर्मा, उन्होंने किया है, और मेकअप एंड हेयर साक्षी यहीं पे है जिन्होंने लिरिक्स भी इनके हैं। सर कितना चैलेंजिंग आपके लिए कि पहला गाना है, एक शुरुआत होती है, पहला प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने, दूसरा चैलेंज ये है कि लखा के बेटे हैं, तो कितना प्रेशर था आपके ऊपर यार गाना अच्छा बनना चाहिए? नहीं तो गाने तो बनते रहते हैं काफी, की बात हाँ ये काफ़ी पहले बना था एक्चुअली, ये 2017 में बना हुआ गाना, तो इनको मैंने गाने सुनाए जिन इन्होंने पसंद किया इसके बाद कि अच्छा ये करेंगे, तो इनको कुछ लगा। हमारी जो मुलाकात हुई थी, हमने एक गाने के लिए कोई और गाने के लिए हम मिले थे, लेकिन फिर उन्होंने बोले कि मैंने ना बहुत सारे गाने और बनाए, तो इन्होंने मुझे गाने भेजे तो मैंने सारे सुने, बट जब मैंने ये वाला गाना सुना तो मैंने मतलब पहले ये करेंगे हम। नमस्कार, मैं पन्ना गिल, और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे छोटे भाई राज गिल जो कि किन्ना में करदा प्यार से अपना डेब्यू कर रहे हैं, बहुत बहुत प्यार मेरे भाई को, और जैसा कि हमारे ख़ानदान को भगवान ने ब्लेस किया है सिंगिंग के लिए, मैं चाहता हूं कि वो इस लेगेसी को ऐसे ही आगे बढ़ाए और खूब गाए और गाता ही जाए और आप सबके दिलों में छा जाए, इस गाने को बहुत सारा प्यार दें, ये मेरी गुजारिश है आप सब लोगों के साथ, और जितना हो सके शेयर करें, और जिस जिस से आप लोग प्यार करते हैं उसको ज़रूर बताएं कि किन्ना में खरदा प्यार, उसको ये गाना भेज के। अभी पिताजी ने बताया कि वो हारमोनिया नहीं पकड़ना चाहता, कुछ बचपन की यादें बताना चाहेंगे अपने भाई के? हाँ, ये बिल्कुल म्यूज़िक से बिल्कुल दूर था, बहुत दूर था, मैं कहूँगा अगर म्यूज़िक ईस्ट है तो ये बिल्कुल वेस्ट में था, बिल्कुल अपोजिट था। कुछ नया राज बताइए। मैं वही नए राज में ही आ रहा हूँ, क्योंकि राज का ही राज बता रहा हूँ, इसको म्यूज़िक में लाने वाले भी भगवान हैं, और इसका जो रुझान बढ़ा है, आज से अगर मैं कहना चाहूँ कि आज से 10-15 साल पहले तक इसको म्यूज़िक में कुछ ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट या लगाव नहीं था, लेकिन इसका रुझान और इसका हार्ड वर्क जो इसने रियाज़ किया है और सीखा है और खूब मेहनत की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बहुत अच्छा गाएगा और ऐसे गाते रहे। एक लाइन आपका कोई फेवरेट गाना? भक्ति वाला? क्या बात है, कोई भी जो आपको अच्छा लगे गा सकते हैं। अच्छा, तो मैं अपना ही मेरा एक एल्बम था, तेरी अखा जैसी मेरा ही सुरूर, दस होया खेर में तो के कसूर, क्यों हो गई है मेरे कोलो दूर, हीरी है। थैंक यू। मैडम आप क्या कहेंगे अपने भाई के बारे में? बस मेरे भाई को मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस, गुड लक, बस मेरा भाई यूं ही तरक्की करे और ऐसे अपने गानों से सबका दिल जीते। एक आप अपने तरफ से कुछ मुखड़ा सुना दीजिए। मैं आपको भजन ही सुनाती हूँ, काना वाला, काना जी का। हो श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, श्री बांके बिहारी लाल
गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में, श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। क्या बात, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।